इसको जानते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हनीफ राजा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या बात है? सलाम साहब, सलीम आफरीदी मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके शो में मैं बिना तकल्लुफ आ सकता हूँ और जिसके शो में बगैर अनाउंसमेंट के ही आना चाहिए। तो एक दफा तो बहुत सारे दादे हमारे दोस्त सलीम आफरीदी के लिए इसके इस खूबसूरत और प्यारे शो के लिए और आज जैसी प्यारी ऑडियंस के लिए जरा तालियों की आवाज यार जोरदार हुई है आवाज के साथ। ये वाहिद इस वक्त काम है तालियां बजाना जिस पे अपनी हुकूमत की नजर नहीं पड़ी, उस पर टैक्स नहीं लगा है। तो आप लोग करें उस वक्त से कि जब इस पर टैक्स लग जाए तो ताली वाली बजाया करें, खुश रहा करें। सलीम भाई मैंने आपको मुबारकबाद दे दी, बाकी हुक्म बताए आप क्या है? और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हब ऑफ प्रॉपर्टी के साथ शाह साहब ने इस शो के लिए बड़ा ताउन किया। आर्टिस्ट सारी जिंदगी आप लोगों को हंसाता है, आपको एंटरटेन करता है, आपको खुशियां देता है। तो आपका आपकी तरफ से आर्टिस्ट का ये हक बनता है कि आप उसको किसी भी सूरत में अप्रिशिएट करें। वो मुख्तलिफ सूरतें होती हैं, आप उसको बहुत सारी तालियां बजा के भी अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करके भी अप्रिशिएट कर सकते हैं और आप इस तरह सपोर्ट करके भी जैसे हब ऑफ प्रॉपर्टी के साथ शाह साहब ने उनको सपोर्ट किया है, आप इस तरह भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस और ये कराची वालों को सपोर्ट करते हैं तो जोरदार ताली होनी चाहिए जो कराची को सपोर्ट करता है। मैं लाहौर गया तो उन्होंने कहा जिसने लाहौर में देखा जमिया ही नहीं। मैंने कहा बेटा जिसने कराची नहीं देखा वो मरिया ही नहीं। तो कराची तो एक ऐसी जगह है, ऐसी प्यारी खूबसूरत सी जगह, तो बच्चे इसको बदल लेना चाहिए। हाँ, कराची नहीं देखा वो लुटिया ही नहीं, वो लुटिया ही नहीं बिल्कुल। जिसने कराची नहीं देखा तो वो मोबाइल अपना संभाल के ही रखे, वो कराची के लिए संभाल। तो अब क्या हुक्म है, मैं उनको बुलाऊं? कौन है जरा बता। अच्छा अक्रम फोन। हाँ बेहतरीन बेहतरीन। एक बड़ा ही स्पेशल आइटम है और वो है अकरम सोनू हमारे दोस्त और